हेलो नमस्कार, वेलकम टू सुखोपीडिया। सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा। जो EWS कोटा था, जो जनरल कैटेगरी के लिए था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है वैलिडिटी ऑफ द 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 3-2 के मेजोरिटी से। तो मतलब तीन जज थे जो उसके EWS कोटा के पक्ष में थे और दो जो जस्टिस थे वो इसके विरोध में थे। तो जानेंगे पूरा डिटेल में, इसका जो टाइमलाइन है केस का उसको भी देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब सुखोपीडिया, सुखोपीडिया जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये द हिंदू का आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट इन अ मेजोरिटी वर्डिक्ट अपहोल्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ EWS कोटा। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द 10% EWS कोटा टू पुअरेस्ट ऑफ पुअर अमंग फॉरवर्ड कास्ट डिड नॉट पोज एनी डेंजर टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये द हिंदू का आर्टिकल देख लिए। नेक्स्ट है द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट EWS जजमेंट, टाइमलाइन ऑफ द केसेज है। ये न्यूज में क्या है इसको भी देख लेते हैं। रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट हैज upheld the validity of 103rd constitutional amendment which provides 10% reservation for the EWS yani economically weaker sections among general categories in government jobs and colleges across India। तो general categories कौन कौन होते हैं उसको हमने last video में देखा था, उसका description link इसके डिस्क्रिप्शन उसका जो लिंक रहेगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी में कौन कौन से कास्ट बिलोंग करते हैं। तो ये किसके लिए है, जनरल कैटेगरीज इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया। व्हाट इज द वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन EWS कोटा। EWS एंड इकोनॉमिकली वीकली सेक्शंस के लिए जो कोटा है उसके रिगार्डिंग क्या वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मेजोरिटी व्यू, उसके बाद देखेंगे माइनॉरिटी व्यू। तो मेजोरिटी व्यू में कौन कौन से जस्टिस थे उनको देख लेते हैं। एक पहला नाम देख लेते हैं, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस JB परदी वाला। तो तीन जस्टिस जो थे जिन्होंने मेजोरिटी व्यू, जिनका कहना था कि EWS कोटा होना चाहिए, और दो ऐसे जस्टिस है जिनका कहना था कि EWS कोटा नहीं होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए उनका वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले मेजोरिटी व्यू है उसको देख लेते हैं हम। द 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कॉन्ट बी सेट टू ब्रिज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी 103वां संवैधानिक संशोधन संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करने वाला नहीं कहा जा सकता है। दूसरा पॉइंट है इसमें, द EWS कोटा डज नॉट वायलेट इक्वलिटी एंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रिजर्वेशन इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन डज नॉट वायलेट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी EWS कोटा समानता और संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है, मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त आरक्षण संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है। तो सबसे बेसिक बात क्या है इसमें कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको ये वायलेट नहीं करता है। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, द रिजर्वेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ अफर्मेटिव एक्शन बाय द स्टेट फॉर द इंक्लूजन ऑफ बैकवर्ड क्लासेज। आरक्षण पिछड़े वर्गों को शामिल करने के लिए राज्य द्वारा सकारात्मक कार्रवाई का एक साधन है। और जो फोर्थ पॉइंट है उसको देख लेते हैं, तीन जजों ने क्या कंक्लूड करके जो पॉइंट आया था उसको देख लेते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर कांट बी ब्रीचेज बाई इनेबलिंग द स्टेट टू मेक प्रोविजन फॉर एजुकेशन, शिक्षा के लिए प्रावधान करने के लिए राज्य को सक्षम करके बुनियादी संरचना का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। और लास्ट इसमें एक और पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं, इसके अलावा भी और भी पॉइंट्स उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं, रिजर्वेशन इन इंस्ट्रूमेंटल नॉट जस्ट फॉर इंक्लूजन ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज इन टू द सोसाइटी बट ऑल्सो टू द क्लास टू डिसएडवांटेज। आरक्षण न केवल सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को समाज में शामिल करने के लिए है बल्कि उनसे वंचित वर्ग के लिए भी सहायक है। कुछ और पॉइंट्स हैं उसको भी देख लेते हैं, रिजर्वेशंस फॉर EWS डज नॉट वायलेट बेसिक स्ट्रक्चर ऑन अकाउंट ऑफ 50% सीलिंग लिमिट, जो एक सीलिंग लिमिट है फिक्स्ड बाय मंडल कमीशन, जो मंडल कमीशन द्वारा फिक्स किया गया था, बिकॉज सीलिंग लिमिट इज नॉट इनफ्लेक्सिबल। EWS के लिए आरक्षण मंडल आयोग द्वारा तय की गई, जो तय किया गया था उस टाइम पे मंडल आयोग द्वारा 50% सीलिंग सीमा के आधार पर,
बुनियादी संरचना का उल्लंघन नहीं करता है क्योंकि सीलिंग सीमा अन्यमेय नहीं है। उसके बाद देख लेते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है, 50% रूल फॉर्म बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द इंदिरा साहनी जजमेंट इन 1992 वाज नॉट इनफ्लेक्सिबल, फर्दर इट हैड अप्लाइड ओनली टू स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब्स, SEBC, OBC कम्युनिटीज एंड नॉट द जनरल कैटेगरी। 1992 में इंदिरा साहनी के फैसले में, जो 1992 का एक फैसला था इंदिरा साहनी के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाया गया 50% नियम अनमय नहीं था। इसके अलावा यह केवल SC ST ESBC OBC समुदायों पर लागू होता है तथा जनरल कैटेगरी पर नहीं। तो ये जनरल कैटेगरी पे जो 50% का जो सीलिंग वाला क्राइटेरिया है, ये जनरल कैटेगरी पे लागू नहीं होता है। ये तीन जस्टिस, जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस JB पर्दीवाला ने कहा है। उसके बाद इसका एक और पॉइंट देख लेते हैं जो लास्ट पॉइंट है। द स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब्स एंड द बैकवर्ड क्लास फॉर होम द स्पेशल प्रोविजंस हैव ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 15 क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 15 क्लास 5 एंड आर्टिकल 16 क्लास 4 फॉर्म अ सेपरेट कैटेगरी एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग जिनके लिए पहले से ही है आर्टिकल में जो क्लॉज ऐड किए गए थे, जैसे आर्टिकल 15 फंडामेंटल राइट्स 15 और फंडामेंटल राइट 16 जो है, तो फंडामेंटल राइट 15 में जो आर्टिकल 15 है उसमें दो क्लॉज ऐड किए गए थे किन के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षण दिया गया उसके लिए क्लॉज 4 15 में ऐड किया गया था, एक क्लॉज 5 भी ऐड किया गया था 15 आर्टिकल 15 में, और एक क्लॉज और ऐड किया था आर्टिकल 16 में, कौन सा क्लॉज 4। तो ये विशेष प्रावधान प्रदान किए गए सामान्य या अनारक्षित श्रेणी से अलग एक अलग श्रेणी बनाते हैं। तो ये उससे डिफरेंट है, ऐसा नहीं है कि उसमें से ही इनको आरक्षण दिया जाए, इनका अलग है और ये 10% उनका हक नहीं मारता है। तो ये था इन लोगों का मेजोरिटी व्यू था। तो ये 5 जजों की बेंच थी, उसमें से 3 लोगों ने इसके पक्ष में फैसला दिया है और 2 लोगों ने इसके विरोध में फैसला दिया। तो अब माइनॉरिटी व्यू है उसको भी देख लेते हैं। तो जो माइनॉरिटी व्यू है उसमें कौन कौन थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ललित थे, यूयू ललित, और एक जस्टिस भट्ट थे। तो अब इनका व्यू क्या था उसको भी देख लेते हैं। रिजर्वेशंस वेयर डिजाइंड एज अ पावरफुल टूल टू इनेबल इक्वल एक्सेस, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सक्लूडिंग SC ST OBC सेइंग दे हैड दिस प्री एग्जिस्टिंग बेनिफिट्स इन जस्टिस। तो इनका कहना था कि समान पहुंच को सक्षम करने के लिए आरक्षण को एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में डिजाइन किया गया था। आर्थिक मानदंड का परिचय और SC ST OBC को यह कहते हुए बाहर कर देना कि उनके पास ये पहले से मौजूद लाभ है तो ये उनके साथ अन्याय होगा। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। द EWS कोटा मे हैव रिपेरेटिव मैकेनिज्म टू हैव अ लेवल प्लेइंग फील्ड एंड द एक्सक्लूजन ऑफ SC ST OBC डिस्क्रिमिनेट्स अगेंस्ट इक्वलिटी कोड एंड वायलेट्स बेसिक स्ट्रक्चर। तीन लोगों का कहना है कि बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है इवन EWS कोटा में एक समान अवसर के लिए एक सुधारात्मक तंत्र हो सकता है, और SC ST OBC का बहिष्कार समानता कोड के खिलाफ भेदभाव करता है और बुनियादी ढांचा, जो मतलब इनका कहना है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका भी उल्लंघन करता है। लेकिन जो 3 जज की, जो 5 जज के में से 3 जज थे उन्होंने कहा था बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करता है, लेकिन जो उसमें से 2 जज थे जस्टिस यू ललित और जस्टिस भट्ट, इन लोगों का कहना था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है। लास्ट पॉइंट था इन लोगों का, उसको भी देख लेते हैं। परमिटिंग द ब्रिच ऑफ 50% सीलिंग लिमिट वुड बिकम अ गेटवे फॉर फर्दर इन्फ्रैक्शंस एंड रिजल्ट इन कैटेगराइजेशन डिवीजन इनटू सेक्शन। तो इनका कहना है कि 50% सीलिंग सीमा जो मंडल कमीशन द्वारा बनाया गया था उसका उल्लंघन की अनुमति देना आगे के उल्लंघनों के लिए प्रवेश द्वार बन जाएगा और परिणाम स्वरूप वर्गीकरण हो जाएगा, यानी जो सेक्शंस हैं उनमें विभाजन हो जाएगा। तो ये था जो EWS कोटा पर जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, ये 3-2 से EWS कोटा के पक्ष में आया था, मतलब 3 जजों ने इसके पक्ष में निर्णय दिया था और 2 जजों ने इसके खिलाफ निर्णय दिया था। अब देख लेते हैं जो क्रोनोलॉजी है उसको देख लेते हैं। द क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स इन विच द SC डिलीवर्ड जजमेंट्स ऑन EWS कोटा। जब EWS कोटा ने, सरकार ने जब इसका बिल पास किया था उसके बाद से जो जो
क्रोनोलॉजी या जो टाइमलाइन है उसको देख लेते हैं। 8 जनवरी 2019 लोकसभा क्लियर्स द 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो लोकसभा में 8 जनवरी 2019 को ये जो 103वां कॉन्स्टिट्यूशन संविधान संशोधन है उस इस बिल को पेश किया गया था। फिर उसके बाद उस दिन पेश किया गया था और उस दिन वो क्लियर भी हो गया था। 9 जनवरी को फिर राज्यसभा में पेश किया गया और वहाँ पे भी ये क्लियर हो गया। फिर 12 जनवरी को मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इश्यू नोटिस सेइंग प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज गिवन असेंट। तो 12 जनवरी को नोटिस आता है कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनका एसेंट साइन होके नोटिस आ जाता है। और ये फिर उसके बाद फरवरी में क्या होता है कि न्यू लॉ जो आया है, मतलब जो EWS कोटा पे जो न्यू लॉ आया है उसको चैलेंज किया जाता है कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। उसके बाद 6 फरवरी को क्या होता है, एससी इश्यूज नोटिस टू गवर्नमेंट ऑन प्लिया चैलेंजिंग अमेंडमेंट। तो जो PIL डाला गया था, जो प्लिया डाला गया था उसमें एससी नोट एससी जो मतलब सुप्रीम कोर्ट नोटिस देता है कि इसको गवर्नमेंट को जो अमेंडमेंट हुआ उसके रिगार्डिंग आपका इसमें क्या स्टैंड है। उसके बाद 8 फरवरी को एससी डिक्लाइंस टू स्टे 10% EWS कोटा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो लोग चाहते, जो प्लिया डाले थे, जो लोग केस किए थे वो लोग चाहते थे कि इस पे स्टे लगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया, मतलब मना कर दिया EWS कोटा पे स्टे लगाने से। 8 सितंबर 2022 को क्या हुआ, एससी सुप्रीम कोर्ट बेंच हेडेड बाई द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उस टाइम के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित, कंस्टिट्यूट्स बेंच टू हियर अपील्स। 13 सितंबर को क्या होता है, एससी स्टार्ट्स हियरिंग आर्गूमेंट्स। 13 सितंबर से हियरिंग स्टार्ट हो जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। 27 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट रिजर्व्स ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है जो ऑर्डर होता है उसको उस दिन पास न करके उसको रिजर्व कर लेता है। 7 नवंबर के दिन सुप्रीम कोर्ट बाई मेजोरिटी ऑफ 3-2 अपहोल्ड्स द वैलिडिटी ऑफ 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोवाइडिंग 10% रिजर्वेशन टू द EWS इन एडमिशन गवर्नमेंट जॉब। तो जो जो लॉ बना रहा था, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 103rd, उसको सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, अपहोल्ड करती है। जो 10% रिजर्वेशन मिलता था EWS को किसमें, एडमिशन में और गवर्नमेंट जॉब्स में। और आपको एक ये भी बात बता दें, इसमें एज का कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है EWS कोटा में। जैसे OBC SC ST कैटेगरी में एज रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे OBC के लिए 3 साल का, SC के लिए 5 साल का, लेकिन EWS कोटा में केवल और केवल एडमिशंस के लिए और गवर्नमेंट जॉब में 10% का रिजर्वेशन है, इसमें एज रिलैक्सेशन नहीं है। तो ये था आज हमारा किसके बारे में, EWS कोटा में जो सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया था 10% EWS कोटा, उसके बारे में। नाउ प्लीज सब्सक्राइब सुखोपीडिया, सुखोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।